हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक शॉपिंग बैग लेकर आई हूँ और ये काफ़ी बड़े बड़े साइज़ में है। आप इसको ट्रैवल में और शॉपिंग में, दोनों में अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और चलिए इसके बारे में बताना शुरू करती हूँ। जैसे कि आप डिज़ाइन देख रहे हैं, शेप ये तो जाना पहचाना होगा आपका, बहुत बार बन चुके हैं, लेकिन इसका साइज़ बड़ा है, मेजरमेंट दूसरा है, पॉकेट्स थोड़ी ज़्यादा हैं। तो चलिए मैं दिखाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर एक मैंने ज़िप दी है, काफ़ी बड़ी है, आप देख सकते हैं मेरा कितना कलाई से ज़्यादा हाथ चला गया है इसमें। और ठीक इसके पैरेलल हमने यहाँ पर बड़ी पॉकेट साइड में दी हैं। इस तरह से मैं दिखाती हूँ, ये हमारी एक पॉकेट इधर है और एक पॉकेट इधर है। इसके साथ हमने यहाँ पर अंदर एक फुल पॉकेट, आप देख सकते हैं इसकी चौड़ाई काफ़ी बड़ी है, ये पूरी हमने गहराई दी है, और इसके साथ ही एक छोटी पॉकेट अंदर दी है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। आज का बैग बनाने के लिए सामान चाहिए 16x16 वन पीस क्विल्टेड, 8x16 थ्री पीस क्विल्टेड, 8x38 इंच वन पीस क्विल्टेड, 7x16 टू पीस क्लॉथ, 10x16 वन पीस लाइनिंग, 8x11 टू पीस लाइनिंग, जिप 16 इंच टू, 8 इंच टू, रनर 8 पीस, बेल्ट 26 इंच टू पीस, स्मॉल पॉकेट। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। शुरुआत हम करेंगे 8x16 इंच के वन पीस क्विल्टेड से। मैंने तीन लिखवाए थे, एक हमारे पास ये पीस है, एक दो एक जैसे हैं, और एक हमारे पास तीसरा पीस जो 8x16 इंच का है, ये इस तरह से एम्ब्रॉयडर्ड है। ये हम आज एक पुरानी कुर्ती से बना रहे हैं, और एक पुरानी कुर्ती से काफ़ी बड़ा बैग बनेगा, तो उसका साइज़ भी अलग है और उसमें पॉकेट भी थोड़ी ज़्यादा हैं, इसलिए आज मैं इसको शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से 8x16 इंच के तीन पीस लेने हैं, दो एक जैसे और एक अलग टाइप का। ये फ्रंट का है और ये बैक से निकाला गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हमने एक पीस ये ले लिया है, इसको हम बीच में से कट करेंगे और जिप रनर लगा देंगे। इसको तैयार करने के बाद ये जो दो पीस हमने दिखाए थे इनको लेंगे, और इसमें भी हम बीच में जिप से अटैच कर देंगे। और इस जिप को लगाने के साथ ही इसी ब्लैक पीस में हमने ये जो लाइनिंग लिखी है 10x16, उसको लेंगे और इसके साथ यहाँ पर लगा देंगे नीचे के साइड में। जिप हमारी ऊपर रहेगी, इसको हम नीचे के साइड में लगाएंगे। आप चाहें तो तीनों को एक साथ भी जोड़ सकते हैं। अब इसके बाद ये वाला पीस लेंगे और ये जिप का दूसरा सिरा इधर जोड़ देंगे। अब इसमें हम दो रनर डाल देंगे। अब ये जो लाइनिंग का हिस्सा है, इसको हम इधर ले आएंगे। हमने ब्लैक के साथ उसको जोड़ा था, अब इस लाइनिंग के पीस को इसके साथ तीन साइड से पैक कर देंगे। अब लाइनिंग तो मैं बढ़ा के लेती हूँ बताते समय, आप सबको पता है। और ये हमारे पास दो 16x16 के पीस कंप्लीट हो गए। अब हम लेंगे 8x38 इंच का पीस, और इसमें भी अब हम कुछ काम करेंगे। पहले मेजरमेंट करेंगे, ये हमारा 11 इंच है, 11 इंच पर एक निशान लगाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ निशान लगाया हुआ है। फिर ये बीच में 16 इंच का निशान लगाएंगे, फिर यहाँ से एक 11 इंच का पीस ले लेंगे। ठीक है, अब इस 11 इंच के जो पीस है, इसमें हम 4 इंच डाउन जाएंगे और एक अलग निशान लगाएंगे, इधर भी और इस साइड भी 4 इंच अप जा कर के दोनों साइड में निशान लगाएंगे, और इसको कट करेंगे, जिप लगा देंगे दोनों साइड। अब ये जो पीस काटा था, इसको लेंगे, यहाँ रखेंगे जिप उलट के, और इसके साथ इसकी लाइनिंग भी लगा देंगे जो हमने 8x11 इंच की लिखी थी। लाइनिंग रखेंगे, क्विल्टेड पीस रखेंगे,
और ज़िप रखेंगे और तीनों को मिला के सिल देंगे। फिनिशिंग देंगे क्विल्टेड पीस और लाइनिंग को इधर रखते हुए। इसको जोड़ने के बाद इसमें हम दो रनर डालेंगे। रनर डालने के बाद यहाँ पर मैंने उसी कुर्ती में से दो पीस ये निकाले हैं। जितना भी बचा हुआ कपड़ा रहता है उसको डिज़ाइनिंग में हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगर आपके पास बचता है तो निकाल लीजिए और नहीं तो लेस लगा लीजिए इसकी जगह मैचिंग की कोई, और नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। अब इसको ये जो हमने 11 इंच का यहाँ पे लाइन खींचा था, ये 4 इंच पे हमने जिप लगा दी, ये 11 इंच की जो लाइनिंग हमने यहाँ पर खींची थी इस पर हम इस कपड़े को लगा देंगे। और अब ये जो लाइनिंग वाला पीस है, अब हमको यहाँ पर 11 इंच की एक बॉर्डर लाइन मिल गई है, तो अब इस पीस को हम यहाँ पर फैलाएंगे बराबर से। और जैसा कि पता है मैं हमेशा लाइनिंग बड़ी लेके चलती हूँ, तो थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन रखते हुए इसको मैं काट देती हूँ। और इसको इस लाइन से ये जो हमने सिलाई अभी बॉर्डर की दी थी इससे मिलाते हुए यहाँ पर सिल देंगे, और इसके बाद इसको तीन तरफ से सिल देंगे। और ये हमारी एक पॉकेट तैयार हो गई बॉर्डर के साथ। सेम प्रोसीजर में हम इधर वाली पॉकेट को भी यहाँ से कट करेंगे, जिप लगाएंगे, ये वाला बॉर्डर लगाएंगे और कंप्लीट करेंगे। और ये पीस हमारा इस तरह से तैयार हो गया। यहाँ पे भी बॉर्डर, यहाँ पर सेम पॉकेट हमने दो तैयार कर दी। अब हम अपने 16x16 के पीस लेंगे। ये एक पीस ये है जैसा कि बताया था आपको, और एक इसको हमने जिप डाल करके पॉकेट के साथ बनाया था। इसमें अब हम मेजरमेंट करेंगे। जो प्लेन वाला हिस्सा है उसको ऊपर रखेंगे और सेंटर निकालेंगे। ये हमारा 16 है, ये सेंटर आ गया। सेंटर से अब इस साइड आएंगे, 3 इंच यहाँ निशान लगाएंगे, फिर 2 इंच पे निशान लगाएंगे, सेम इधर करेंगे, 3 इंच इधर, 2 इंच इधर। अब इधर से 4 इंच डाउन जाएंगे, ये हमारा 4 इंच है। तो ये जो 3 लगाया था और ये 4 लगाया था, इन दोनों को हम यहाँ पर इस तरह से मिला देंगे। ये और ये जो 2 इंच पर यहाँ निशान लगाया था, ये टोटल हमारा 6 इंच का डिस्टेंस है यहाँ पर। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने, अब मुझे ऑर्डर पे बनाते रहना पड़ता है तो मैं शेप काट के रखती हूँ। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, तो जितना आपको गहरा रखना है, वैसे तो मैंने इसका भी मेजरमेंट बता देती हूँ। ये 3 इंच डाउन जा कर के इस तरह से 3 इंच डाउन जा कर के, और इसका ये शेप इस तरह से दिया था और एक कार्डबोर्ड काट के रख लिया है, तो इसमें सही शेप आसानी से मिल जाता है। इस तरह से इस पर हम निशान लगा लेंगे। सेम प्रोसीजर में हमने इसमें भी निशान लगा रखा है, ये देखिए यहाँ पर आपको, इसीलिए मैंने ब्लैक पे बताया है, हो सकता है इसमें ना दिखाई दे रहा हो, ये है ना। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। पहले तो ये जो शेप था 4 इंच और 3 इंच वाला, इसको कट करेंगे, फिर ये इसका नेक काट देंगे, सेम इसमें भी कट करेंगे। अब बेल्ट लेंगे। बेल्ट भी मैंने, बेल्ट यहाँ पर कपड़े की नहीं बनाई है, और इसको जो बेल्ट मार्केट में मिलती है रेडीमेड उसको लिया है, और इस कपड़े की इसमें पाइपिंग डाल दी है। अब इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे। ये जो पाइपिंग है ये बाहर की तरफ रहेगी, इसको हम यहाँ मजबूती से जोड़ देंगे। अब इसके बाद मैंने 7x16 इंच का 2 पीस कपड़ा लिखवाया था उसको लेंगे। ये हमारी दूसरी तैयारी हो गई,
और इसको 16 इंच की तरफ से एक साइड से बस एक फोल्ड दे करके और सिलाई कर देंगे। इसको सिलने के बाद एक पीस लेंगे, इसको लेंगे और इसमें ये जो हमने सिलाई की थी यहाँ पर, ये इसका उल्टा हिस्सा है, ये सीधा हिस्सा है, उल्टा ऊपर रखेंगे, दोनों सीधे पीस अंदर रखेंगे और इसको यहाँ पर इस तरह से रखते हुए यहाँ पर इस तरह से पूरा शेप जो दिया गया है इस पर हम मशीन चला देंगे। अब जितना ये एक्स्ट्रा दिख रहा है इसको हम कट कर देंगे। सीधा करेंगे, चेक करेंगे, एकदम परफेक्टली जुड़ गया है। ये देखिए, ये हमारा शेप इस तरह से निकल के आ गया। अब इसमें हम फिनिशिंग की मशीन चलाएंगे। ये जो हमने कपड़ा छोड़ा था इसको भी यहाँ पर अब हम दबा देंगे। इसको दबाते हुए ये पूरा शेप जैसे सिलाई आई है इसे सिल देंगे। ये कुछ इस तरह से पीछे से आ जाएगा। यहाँ पर हमने सिलाई कर दी थी तो ये नीट एंड क्लीन वर्क हो गया। अब यहाँ पर जो हमने निशान लगाया था उसमें हमने ये एक सीधी लाइन खींच ली है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इस पर हमें एक मशीन चलानी होगी, नीचे से कपड़े को पकड़ते हुए। इसी तरह से इस पीस को भी हम तैयार करेंगे और ये दो पीस हमारे इस तरह से कंप्लीट हो गए। बैक साइड में हमने ये पीस को लगा दिया है। अब इसमें हम सेंटर निकालेंगे। एक सेंटर हमारा यहाँ निकलेगा और दूसरा सेंटर ये जो हमने नेक बनाया था इसका यहाँ पे निकलेगा। इसको सेंटर निकालने के बाद अब इसको रख देंगे। ये जो हमने पॉकेट वाला साइड वॉल वाला तैयार किया था इसमें अब हम ये जो हमने पहले पीस तैयार किया था इसको यहाँ पर जोड़ देंगे। इसका भी सेंटर निकालेंगे। ये जो ऊपर 16 इंच वाली जिप है इन दोनों के जोड़ को आपस में मिलाएंगे। ये सेंटर निकाल लिया। इसी तरह से बॉटम की तरफ भी सेंटर निकालेंगे और अब हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। इसको हम जोड़ना शुरू करेंगे। तो ये कोई एक पीस लेंगे और ये जो जिप का हिस्सा है इसको इस तरह से जोड़ेंगे, उल्टी तरफ से जोड़ेंगे। ये देखिए, इस तरह से जोड़ना है। इस सेंटर को ये जो हमने सिलाई की थी यहाँ से मिलाना है, जो इसको दबाने के लिए हमने यहाँ पे सिलाई की थी याद होगा, उसके साथ इस सेंटर को मिलाएंगे और सिलाई पर जहाँ सेंटर आ रहा है वहाँ पर इसको रखेंगे, इस तरह से जोड़ेंगे और यहाँ पर पिन लगा लेंगे। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए उल्टा जोड़ेंगे और इसको यहाँ पर इस तरह से जोड़ेंगे। ये हमारी लाइन आ रही है सिलाई वाली जो हमने इसको दबाई थी। अब पहले हम ऊपर का हिस्सा जोड़ेंगे, फिर बॉटम का हिस्सा इसके साथ जोड़ेंगे, फिर साइड का जोड़ेंगे।
तो पहले हम इसको जोड़ लेते हैं। अब इसको जोड़ने के बाद इसको इधर लाएंगे, इसको पूरा पलट देंगे। जो बॉर्डर साइड है 8 इंच वाला, इसको पूरा पलट देंगे। इस पीस को बाहर निकालेंगे और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए, ये सेंटर निकाला था और ये 8 इंच की पट्टी पर सेंटर निकाला था। अब इसको यहाँ पर पिन लगाएंगे। और इसको सिल देंगे। अब इस बॉटम को जोड़ने के साथ ही ये हमारे पास साइड में 11 इंच का जो बॉर्डर आ रहा है, इसको यहाँ जोड़ देंगे। अब इधर वाला 11 जोड़ देंगे। देखिए एकदम परफेक्टली पूरा परफेक्ट नाप आ रही है। ये हमारा एक साइड का बॉर्डर लग गया इस तरह से। अब सेम प्रोसीजर में दूसरा भी जोड़ेंगे और अब इसको हम सीधा करके देखेंगे। सीधा करने से पहले इसको खड़ा करेंगे। ये देखिए ये खड़ा हो गया, इसका मतलब कि सारे जोड़ आपस में एकदम परफेक्ट जुड़ गए हैं, है ना। और सीधा करने के बाद इसमें हम बाहर से फिनिशिंग की मशीन भी चला सकते हैं, इस पर पाइपिंग भी दे सकते हैं। पाइपिंग मैं इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि पाइपिंग देने पर मजबूती तो आती है, सफाई भी आती है, लेकिन अंदर जो एक मोटापन सा आ जाता है इतनी लेयर जुड़ने के बाद, वो बाहर की फिनिशिंग को ख़त्म कर देता है। इसलिए मैं डबल मशीन चलाती हूँ और बाहर से फिनिशिंग देती हूँ। बाहर से फिनिशिंग देने से उसमें एक पाइपिंग जैसी लुक आ जाती है और शेप भी आ जाता है। ये हमारा बैग कुछ इस तरह से अभी दिख रहा है। अब इसमें मैं अंदर से ही डबल मशीन चलाऊंगी क्योंकि जिप है तो यहाँ पर डबल मशीन फिनिशिंग देना मुश्किल होगा, क्योंकि एक जिप हमारी ये बॉर्डर पे इधर आई है और एक जिप हमारी ये फ्रंट में आई है, तो इसलिए यहाँ पर अंदर से ही डबल मशीन चलेगी। तो ये बैग हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया। ये और अंदर जो लाइनिंग का है आप देख रहे होंगे, कहीं सफ़ेद लगा है कहीं ग्रीन लगा है, तो ये ऑर्डर का बैग है। तो जो ऑर्डर के कपड़े आते हैं तो उसमें मैं पूरा सलवार कुर्ते मांग लेती हूँ, अगर कोई ख़रीदता है तो कोई अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर मैं कपड़े मांगती हूँ। तो इससे क्या होता है कि कपड़ों का रिसाइकिल भी हो जाता है, यूज़ भी हो जाता है, क्योंकि आजकल कोई लेता नहीं पहने हुए कपड़े, दान दक्षिणा में भी लोग लेना पसंद नहीं करते हैं और महंगा भी पड़ता है। तो बनो इस तरह से कपड़े लेकर के बनाइए या बनवाइए। ये हमारा बैग कुछ इस शेप में तैयार हो गया। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ नया और यूज़फुल लेकर आएगी। नमस्कार।